कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। राज्य में शनिवार 19 जनवरी को जनजीवन हरियाली के समर्थन में 16,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। इस विशाल मानव श्रृंखला के आयोजन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम सुशील मोदी और अन्य कई मंत्री पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एकत्रित हुए। यहां नीतीश मानव श्रृंखला में खड़े हुए उनके बाएं जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह और दाएं उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी खड़े हुए। पूरे कार्यक्रम की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई, जिसके लिए 15 हेलीकॉप्टर पर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर तैनात किए गए थे, जो मानव श्रृंखला को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। इसके अलावा बाइक सवार वीडियोग्राफर ने भी वीडियो बनाया। गांव से लेकर शहर तक हर एक किलोमीटर पर एक वीडियोग्राफर को तैनात किया गया था। सीएम नीतीश कुमार का यह फ्लैगशिप कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए चलाया गया है। मानव श्रृंखला को लेकर पटना समेत पूरे बिहार में जबरदस्त उत्साह दिखा। मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, आरा, छपरा जैसे शहरों से लेकर गांव-गांव तक लोग सड़क पर खड़े होकर मानव श्रृंखला का हिस्सा बने। जल जीवन हरियाली में ट्रांसजेंडर समुदाय की भी जोरदार भागीदारी दिखी। सभी ने हरी साड़ी पहनकर मानव श्रृंखला बनाई और जागरूकता के गीत भी गाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।